भाई मानसू गर्मी कितनी हो रही है यार। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा। तो भाई ये स्लीपिंग बैग लिया है हमने। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा चेहरा डल डल लगेगा, बट खुशी इस बात की है कि आज फिर से वीकेंड आ गया है और वीकेंड पे फिर से हम खर्चा करने जा रहे हैं लद्दाख की तैयारी का। और इस बार जो हमारा पिछला सामान जो पेंडिंग रह गया था कैंपिंग का, कैंपिंग से रिलेटेड या लद्दाख से रिलेटेड, वो सब हम सामान लेने जा रहे हैं। तो हमने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है दिल्ली में। ये कश्मीरी गेट की तरफ है जगह, पुल बंगश मार्केट बताया किसी ने, तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है और किस रेट में अवेलेबल है। तो इससे पहले भी हमने कैंपिंग का सामान लिया था, अब वहाँ चलते हैं, लिस्ट में चेक करेंगे जो जो सामान लेंगे उसको टिक करते रहेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। सिर्फ एक हफ्ता बचा है, नहीं एक हफ्ता या दस दिन बचे हैं। तो 10 दिन बचे हैं हमारी लद्दाख की ट्रिप के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है जाने के लिए। और अभी हमें स्टिकर भी तैयार करवाने हैं, कार पे भी स्टिकर लगाना है ना, तो पूरा तैयारी कर। तो चलो अभी हम रास्ते में मिलते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं कि क्या क्या उस सामान उस मार्केट में मिलता है। सो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे पुल बंगश मेट्रो स्टेशन। तो गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दिया पार्किंग में और अब हम अंदर मार्केट में जाना है। यहाँ से राइट पुल बंगश मार्केट है अंदर, तो लगता है यहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा। भाई मानसू गर्मी कितनी हो रही है यार। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। गाइस आ गए हैं हम यहाँ पे तिरपाल मार्केट। यहाँ पे तिरपाल, हर टाइप की तिरपाल मिलते हैं और कैंपिंग का सामान मिलता है। तो जिस बंदे से हमारी बात हुई है वो शॉप पे चल रहे हैं हम, शॉप नंबर 342। तो भाई आ गए हैं हम शॉप पे और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पानी पिलाया और भाई ने, दुआएं मिलेंगी भाई को। हिमांशु भाई तो गिरने ही वाले थे अभी चक्कर खा के इतनी गर्मी। गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया, थोड़ी गलत फहमी हो गई क्योंकि जिस शॉप पे हम गए थे वहाँ पे सारा सामान नहीं अवेलेबल, और फिर यहाँ से सामान लो, फिर और दुकान ढूँढो, और कहाँ मतलब दुकान ढूंढने में टाइम लग जाता, गर्मी ये वो परेशान। तो हमने सोचा कि जहाँ से हमने लास्ट टाइम कैंपिंग का सामान खरीदा था विनायक सेल से, हम वहीं चलते हैं, 4 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये स्लीपिंग बैग लिया है हमने। स्लीपिंग बैग ठीक है भैया। महंगा कितना? ये 900 का है भैया। और ये माइनस पाँच तक चलेगा ये वाला स्लीपिंग बैग। और एल शेप खोल के आप रजाई की तरफ इसको आप यूज कर सकते हो। स्लीपिंग बैग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 4 कलर है, 2 किलो वजन है, वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है और लाइट वेट। कौन कौन से कलर है इसमें? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रोज नए नए कलर आते रहते हैं। ये पूरा का पूरा स्लीपिंग बैग इसके अंदर आ जाएगा भैया, छोटे से बैग के अंदर। दे दे, बाकी अभी और सामान निकालते हैं, अभी मयंक भाई बताएंगे क्या क्या सामान है। अच्छा जी मयंक भाई, क्या बता रहे थे आप? उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैंपिंग के लिए चेयर। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैकिंग में आती है और ये आप इसको खोल के हटाइए, बैठे गुलशन इस पर। अच्छा इसमें ग्लास होल्डर भी है? ग्लास होल्डर है, अपना पैक टू रख लो, चाय पानी का ग्लास रख लो। 4 कलर मिल जाएंगे इसमें, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, सारे कलर है। बैठ के बैठ के मतलब मैं बैठ के दिखा देता हूँ। 150 किलो तक की कैपेसिटी है आराम से। आप पैकिंग कहीं पे भी ट्रैकिंग में जा रहे हो या बोन फायर कर रहे हो तो उसमें सबसे बेस्ट है। अच्छा आप अपने ऊपर टेरिस पे भी रख सकते हो। लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, जहाँ मन करे वहीं खोल दी पैक करके ये बैडमिंटन की तरह पैक हो जाता है। तो भाई 150 किलो है इसकी कैपेसिटी। हाँ जी, 1000 रुपए की चेयर है, 4 कलर है इसमें हमारे। अच्छा सही है, बढ़िया है प्रोडक्ट। आ जाता है ये हमारे पास पेट्रोल से चलने वाला स्टोव, ये बूस्टर स्टोव बोलते हैं इसको। ये पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन किसी से भी चला सकते हो। जो हाई एल्टीट्यूड में आप जाते हो उसमें ये काम आता है ये वाला स्टोव। इसके अंदर क्या है आपकी ये फ्यूल बॉटल होती है, 550 ml की फ्यूल बोतल है, इसके अंदर आप अपना फ्यूल डाल सकते हो, पेट्रोल डीजल केरोसिन कुछ भी। ये इसका स्टोव है, ये पंप मारने वाला स्टोव है, जो हाई एल्टीट्यूड में जो जाते हैं ना लोग उसमें काम आता है मेन। ये वाला लोग जो प्रोफेशनल तरीके से कैंपिंग करते हैं उनको ये काम आता है। ये पंप लगता है इसमें, ये 4800 रुपये का स्टोव है, प्लस इसमें ब्यूटेन बोतल भी लगा सकते हो आप। अच्छा, ब्यूटेन प्लस लिक्विड दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। अच्छा, ये 4800 रुपये का स्टॉक है। उसके बाद जो बेसिक वाला है आपने देखा होगा हमारे पास काफी वीडियोस में, और जो बाइकर सबसे ज्यादा लाइक करते हैं इस वाले, ये वाला हमने लिया है वैसे। हाँ जी, पोर्टेबल ज्यादा, ये पोर्टेबल ज्यादा, ये बाइक के लिए है ना जी, जो बाइक में कैरी ट्रेवल करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ये 600 रुपये का स्टॉक है।
ये 600 रुपए का स्टोव है, 150 रुपए की इसके साथ ब्यूटेन बोतल आती है, 750 का पड़ता है। एक्स्ट्रा ब्यूटेन लेनी है तो 150 रुपए। एक ब्यूटेन इसमें 2.5 से 3 घंटे चल जाती है भैया। हाँ जी हाई फ्लेम पे। हाँ जी हाँ जी हाई फ्लेम पे। उसके बाद आ जाता है ये सूटकेस वाला स्टोव, जो आपको फैमिली के साथ जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, उसमें काम आता है। कार पे जा रहे हो तो हाँ जी हाँ जी, कार वाले या ग्रुप में ज्यादा बंदे होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है ये वाला स्टोव। ये 4800 रुपए का स्टोव है। इसमें यहाँ पे इसमें क्या ऑप्शन है, ब्यूटेन प्लस एलपीजी दोनों से चल जाता है। अच्छा, ये 1850 रुपए की रेंज का स्टोव है। 1850? हाँ जी 1850 रुपए की है। तीन तरह के स्टोव है। उसके बाद फिर बर्तन आ जाते हैं। बर्तन सेट भी आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास तीनों मॉडल है। कैंसर कंपनी का है, सबसे छोटे वाला है 1550 का। ये कैटल वाला है 1850 रुपए का। हाँ जी कैटल वाला मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कैटल है अभी? हाँ जी। तो भाई ये बहुत सही चीज़ है, कैटल है, क्योंकि इसके अंदर पिछले बार आए थे तो कैटल वाला नहीं था भैया के पास। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक था। अभी इसके अंदर कैटल आ गया। वो रहती है मारामारी, क्योंकि ये माल ऑलरेडी एडवांस बुकिंग पे चलता है। इसका माल बहुत कम आता है, 1850 रुपए का। भाई ये फ्राई पैन हो गया, ये फ्राई पैन है, ये भगोना हो गया, ये इसके अंदर ये पूरा सेट है, चार कटोरी बाउल, ये कैटल आ गया। क्या मस्त कैटल है, टी लवर्स के लिए काफी बढ़िया आइटम है। 1850 रुपए की रेंज का आइटम हो जाएगा। ये एक फ्राई पैन है, तीन इसमें बाउल है, चूना है, कुचिया है, तीन बंदों के हिसाब से होगा। हाँ जी हाँ जी, तीन बंदों के लिए ये बेस्ट आइटम है। और ये इसके अंदर ये फ्राई पैन भी है, मैगी वैगी ऑमलेट बनानी हो आपको तो ये बेस्ट है। ये 1850 तीनों मॉडल आप देख पा रहे होंगे हमारे पास, वहाँ पे हमने डिस्प्ले में लगा रखे हैं। छोटे बड़े सारे तरह के कुकिंग सेट मॉडल अवेलेबल है अपने पास। जो हाईएस्ट है वो कितने का है? जो हाईएस्ट है वो 2850 रुपए का है, जो 4 से 6 बंदों के लिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे पास फ्लेम गन है, ये ब्यूटेन के ऊपर लगाने वाली बंजी रॉप्स है, एल्बो नी गार्ड भी होते हैं अपने पास। एल्बो नी गार्ड जी। उसके बाद आ जाते हैं ये बाइकर्स वाले ग्लव्स, ये बाइक राइडिंग में काफ़ी यूजफुल आइटम है बाइकर्स वाले ग्लव्स। इसमें सारे साइजेस होते हैं, वाटरप्रूफ है। अच्छा। ये 350 रुपये की रेंज के ग्लव्स है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ट्रैकिंग पॉल हो गई, हाइड्रेशन बैग हो गया, हेडलैम्प हो गई, एयर पिल्लो हो गए, सैडल बैग हो गई आपके। पिल्लो में भी अलग अलग वैरायटी है। हाँ जी हाँ जी, इंडेक्स का है और लोकल है, सारी वैरायटी है एयर पिल्लो में। नहीं नहीं कोई नहीं, अब तो काम ही यही है। अरे तुम्हारी तो थोड़ी अलग बात, कोई बात हमारी अलग बात कब होगी? नहीं है, जब भी आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे 3-4 घंटे बैठे थे। मैं पक्का बता था, आज आए थे 9 बजे से पहले। जब मैं पिछली बार आया था, हम दोनों आए थे, कोई भी नहीं था, आराम से बनाई थी। दो टाइम करी थी ना उस टाइम पे इतने। अच्छा नहीं करी थी क्या उस टाइम पे? अच्छा से पहले लग ही रहा था, क्योंकि निशांत की जो आया था तो कहीं बेसमेंट वेसमेंट नहीं थी कहीं शायद, है ना? वो वाली नहीं, यहाँ की भी तो बनाई है निशांत ने, दो बार बना ली ना। दो बार निशांत ने दो बना ली, और एसजे ने दो बार बना ली, आपने 5-6 4-5 बना ली। तो ये भाई भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, और भाई के चैनल का नाम है घुमक्कड़ पहाड़ी सेम्बल। ये भी हमारे शॉप पे पहले भी आए हैं, आपने इनका भी ब्लॉग देखा होगा। हाँ हाँ मैंने देखा जी जी। और भी काफी सारी आइटम है हमारे पास, जैसे ट्रैकिंग मैट हो गया, ये ट्रैकिंग मैट 350 रुपए की रेंज की है, वाटर प्रूफ है और वॉशेबल है, 6 फीट लंबा है मैट और 2.5 फीट आपका चौड़ा है। ये टेंट के लिए और कैंप पे नीचे बिछाने के लिए काफी यूजफुल है, लाइट वेट, बिल्कुल वॉशेबल, 350 रुपए की रेंज के आइटम। उसके बाद ये हमारे पास आप देख रहे होंगे रक्षक बैग है, रक्षक बैग ये 1850 रुपए की रेंज में है। इसमें 10 लीटर डिटैचेबल है और नीचे सूट कंपार्टमेंट लीटर का है, 10 लीटर जी। उसके बाद ये वाला एक रक्षक बैग आ जाता है आर्मी अप्रूव्ड का। कितने का बताया आपने वाला? 1650 रुपए। और ये वाला 2500 रुपए की रेंज का है। ये 10 लीटर डिटैचेबल है, इसके अंदर नीचे सूट कंपार्टमेंट भी है, पीछे हैवी पैडिंग भी है और रेन कवर भी है। 2500 रुपए की रेंज। इसकी क्वालिटी आपको खुद ही देख के फील हो रही होगी कि क्वालिटी कितनी हैवी है इसकी। क्वालिटी तो है भाई। जी जी 2500 रुपए की रेंज का है। उसके बाद एक और आ जाता है ये वाला मॉडल, ये भी 2000 रुपए की रेंज का है, ये भी 65+ 10 लीटर है। इसकी भी क्वालिटी काफी सॉलिड बना रखी है। हाँ जी हाँ जी, इसमें भी रेन कवर है। हाँ जी इसमें भी रेन कवर है, ये 2000 रुपए की रेंज का है। ये तीनों है पर तीनों मॉडल 65+ 10 लीटर। इसी में हमारे पास छोटा वाला भी है, ये वाला है जो आपको, ये देखो एक बार आप इसकी बैक की क्वालिटी देखो, कितनी हैवी क्वालिटी है, बक्कल की क्वालिटी देखो। ये 45 लीटर है, 1500 रुपए की रेंज, 1500 की रेंज है, और आर्मी कलर है, इसमें ब्लैक कलर भी आपको मिल जाएगा।
उसके बाद ये आ जाती है स्नो के लिए जैकेट, 1250 रुपए की रेंज की जैकेट है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे कलर है, ये देखो पैडेड वाली जैकेट है, केचुआ वाली वाटरप्रूफ जैकेट है, लाइट वेट है बिल्कुल, ये आप स्नो में -10 तक, -10 के लिए ले लद्दाख मनाली शिमला कुल्लू हिमाचल में कहीं पर भी पहनो, वाटरप्रूफ जैकेट है। बहुत सारे कलर है, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं साइज भी है, साइज वगैरह सब सारे साइज है, एल से लेके ट्रिपल एक्सल तक सारे साइज अवेलेबल है, 1250 रुपए की रेंज की जैकेट है। कलर है इसमें और बहुत सारे कलर है, ये कलर हो गया और भी है, आप देख पा रहे होंगे ये कलर हो गया, कलर तो बहुत सारे हैं भैया, एक एक कलर वीडियो आपकी काफी सारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये ओ भाई सही लग रही है यार कसम से, ये जैकेट लेने की सोच रहा है हिमांशु, पिंक हिमांशु, अभी मयंक भाई ने दिखाई थी इसके और कलर, तो ये भी उनमें से एक कलर है। हाँ जी पूरी लॉक हो जाएगी, ये 1250 रुपए की रेंज की जैकेट है। तो अभी हमने जैकेट जो दिखाई थी मयंक भाई ने, उसमें से एक कलर ये भी है, बढ़िया जैकेट है एकदम, बंद कैसे होगी बस, इससे बड़ा साइज देखो यही आएगा, सही लग रहा है, तो टाइट तो नहीं आ रही कहीं से, अगर लग रही टाइट तो पता भाई, इससे बड़ा साइज चलो फिर आते हैं। तो भाई फाइनली हमने ये सामान लिया है अपने, एक जैकेट, बाथरूम टेंट, ये पोर्टेबल स्टोव, 2 USB बल्ब और ये बाथरूम टेंट, और बाकी 2 स्लीपिंग बैग हमारे आ रहे हैं सामने से -5 के, फिलहाल हमारा यही सामान है यहाँ पे। चलो मयंक भाई जो चाहिए आपको, हाँ सारा हो गया, चलो मयंक भाई चलते हैं जी भैया, थैंक यू, आगे भी आपके ब्लॉग देखते रहेंगे, अभी सामान अपना आ गया है सारा, ये रहा अपना सामान, यही है ना हमारा, हाँ जी हाँ जी आपके सामान, ये हमारा सामान है देखो लद्दाख, अरे नहीं नहीं अभी हम आपके ब्लॉग देखते रहेंगे ना, और कहाँ कहाँ घूम रहे हो आप, मयंक भाई ने खर्चा करवा दिया लद्दाख जाने के लिए। तो गाइस हम आ गए यहाँ पे करोल बाग नाई वालान, तो यहाँ पे हम टोइंग चेन ढूंढ रहे हैं, तो 55 नंबर गली में बताया है यहाँ पे कि सरदार जी की दुकान है, उधर देखते हैं, बिना टोइंग चेन के रिस्क के जाना लद्दाख, संस्कार से जाना रिस्क, हाँ संस्कार संस्कार, गली नंबर कौन सी है, अरे यार भाई यहाँ तो दुकान ही मिलने को नहीं दे रही, पता नहीं किधर है, किसी के पास टो चेन ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या, इतनी बड़ी मार्केट में है कार मार्केट करोल बाग में, और यहाँ पे टोइंग चेन नहीं मिल रही है, टो चेन। सो गाइस यहाँ पे 50 दुकानों पे पता कर लिया, यहाँ टोइंग चेन नहीं मिल रही है, तो लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, पूरी कार मार्केट छान लिया हमने बट कहीं नहीं मिली है भाई। फाइनली ये जो सरदार जी ना, ये जो सामने खड़े हैं, इन्होंने बताया कि भाई पीछे मिलेगी वो सामने, अगर आपको चाहिए हो तो ये होल सेल कार एक्सेसरीज प्राइवेट एंटरप्राइज की यहाँ मिलेगी, जस्ट दुकान बंद कर ही रहते और ये हमको मिल गई यहाँ पे, फाइनली टोइंग चेन मिल गई है, अब इसका साइज़ तो हमें पता नहीं कितना है बट मिल गई है, तो अब हम चलते हैं घर, और ये लोकेशन ये वाला चौक है, इस चौक का कुछ नाम है क्या, इस वाले चौक का कोई नाम है, नहीं इस चौक को क्या बोलता है, आर्य समाज रोड, तो ये भाई आर्य समाज रोड है, और यहाँ पे वो हमें चेन मिली है टोइंग चेन यहाँ से लेफ्ट में, जो मैंने आपको दिखाया था, क्यों मानशु गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई, तो इस टोइंग चेन ने भाई कहाँ हमको नहीं हंडाया भाई, हाँ मिल गया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, 50-60 दुकान चेक करने के बाद मिला है मुझे। तो भाई ये जो अशोका वाले हैं, इन्होंने बताया उधर मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें अशोका का बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि हर कोई मना कर रहा था कि यहाँ नहीं मिले, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, मैं गया जो ऐसी मन से था कि वहाँ भी नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनली मिल गया, थोड़ी हमको महंगी लग रही है क्योंकि देखो हमें ज़्यादा नीड थी और वो दुकान बंद कर रहे थे अपनी, चलो कोई नहीं, मानशु भाई खाने का क्या प्रबंध है आज, खाने पीने का क्या प्रबंध है आज, देखते बताइए, भूख लग रही है। तो भाई आ गए हम अपनी गाड़ी में और निकलते हैं अब घर की तरफ, टोइंग चेन हमने ले लिया है और बड़ी तेज़ भूख लग रही है, तो देखते हैं, वैसे तो बाहर का मैंने अवॉइड कर रखा है हम दोनों ने खाना, बट भूख इतनी तेज़ लग रही है कि घर तक तो शायद हो सकता है मर जाएं, खाना पड़ेगा आज, तो देखते हैं कुछ रास्ते में कुछ बढ़िया सा, कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी सा, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खा जाए, तो चलो मिलते हैं रास्ते में और बताते हैं आगे का क्या सीन है। सो गाइज दिल्ली की इस सीज़न की पहली बारिश जो मैंने देखी अपनी आँखों से, हुई होगी बारिश,
लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इस सीजन की, भाई मजा आ गया। जितनी गर्मी हो रही थी ना उतने ही राहत मिल गई है अभी बारिश हो गई, भाई मजा। और पता था मेरे, हमारे साथ एक चीज और होती है भाई, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, जाने वाले होते हैं, उससे कुछ टाइम पहले ना दिल्ली में मौसम बढ़िया हो जाता है। चीज भाई ये तो है। तो ये चीज बढ़िया हो गई कि चलो यार दिल्ली में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा और बहुत अच्छा वेदर हो रखा है इस टाइम पे। तो अब निकल रहे हैं बस हम घर की तरफ, और अब देखते हैं क्या प्लान है आगे का। थोड़ी भूख भी लग रही है जैसे कि मैंने बताया था, और यहाँ थोड़ी बारिश कम हो गई है, लेकिन क्या है ना मौसम ने ले लिया है अंगड़ाई दिल्ली में, और मज़ा आ गया। मतलब वीकेंड वीकेंड पे जो है मतलब मजा होता है, प्रॉपर वीकेंड ऐसे इसको यूटिलाइज करा जाता है भाई। ये नहीं कि तुम सो के निकाल दो यार, सोना तो भाई मैंने सोए नहीं, मेरा मैं मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि मैंने अपना दिन यूज करा है पूरा भाई। भाई कोई फायदा नहीं अगर आप सो में निकाल दो, क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं सारे के सारे, मतलब जो भी आप काम करते हो अपना काम भी अगर आपका, तो दो दिन है यार इसको पूरा यूटिलाइज करो। यू हैव 48 आवर्स, ट्राई कि जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो अपना अच्छे से। बात तो सही कह रहे हैं मानसू, तो मंडे से तो फिर वही दोबारा एक ही जैसी लाइफ हो जाती है। तो चलो बारिश को एंजॉय करते हैं अभी गाड़ी में बैठ के, और घर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन आगे का।